दोस्तों आप सभी ने सर्ज प्रेडेटर्स के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन ऐसे में आपके मन में काफी सवाल होंगे कि सर्ज प्रेडेटर क्या है, ये कैसे काम करता है, क्या आपको इसकी जरूरत है या फिर नहीं, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या एक सर्ज प्रेडेटर और एक फ्यूज सेम है। तो आज आप वीडियो देखते रहिए और मैं आपके इन्हीं सब सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु जी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है बहुत सारे यूजर्स के मन में कि एक फ्यूज या फिर सर्किट ब्रेकर और एक सर्ज प्रेडेटर कंप्लीटली सेम है, एक ही डिवाइस के अलग अलग नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग हैं और मैं आपको बताने वाला हूं कि वो दोनों कैसे अलग हैं। अब देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं पावर प्लांट्स वगैरह में और उसके बाद हम उसको ट्रांसमिट करते हैं, तो ऐसे में हम उसका वोल्टेज काफी हाई रखते हैं क्योंकि हाई वोल्टेज हमारे लिए काफी ईजी बन जाता है ट्रांसपोर्ट करना। लेकिन फाइनली जब इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है आपके सब स्टेशन में या फिर पावर हाउसेज में और वहां पर उसका वोल्टेज कम किया जाता है जिससे वो पहुंच जाए आपके अलग अलग घरों में, और उसके बाद में आपने अपने जो घरों में लगाए हैं जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या डिवाइसेस जैसे कि आपका टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, पंखा, लाइट बल्ब वगैरह, वो काम कर पाए। अब आपके घर में नॉर्मली आपको मिलती है 220 वोल्ट्स और ऐसे में जो भी आपने डिवाइस लगाया है वो भी यही एक्सपेक्ट करता है कि जब आप उसको ऑन करेंगे तो वो उसको मिलेगा 220 वोल्ट और वो ठीक तरीके से काम करता रहेगा। लेकिन ये जो कंडीशन है दोस्तों, ये हमेशा परफेक्ट नहीं होती है, आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते रहते हैं। अब ये फ्लक्चुएशंस जगह जगह से आ सकते हैं, हो सकता है कि जो पीछे से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो पावर ग्रिड से आपको बिजली मिल रही है, वहीं पे कुछ फ्लक्चुएशन हो, या फिर अक्सर ये भी होता है कि हो सकता है आप ही के रीजन में किसी इंडस्ट्री में या किसी फैक्ट्री में अगर किसी हैवी अप्लायंस को ऑन या फिर ऑफ किया गया है तो उससे भी आपको आपके घर की जो वोल्टेज है उसमें एक सडन चेंज देखने को मिल सकता है। अब ये जो शॉर्ट टर्म सडन चेंज है इसको हम बोलते हैं स्पाइक, और अगर यही सडन चेंज थोड़ा सा लंबे टाइम तक रहे तो इसको हम कहेंगे सर्ज। अब ऐसे में ये जो सर्ज या फिर स्पाइक है, ये आपके घर में जो आपके लगे हैं हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे कि मान लीजिए कि मैं बात करता हूं किसी हीटर की या एसी वगैरह की, उनको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं इतना, लेकिन जो डेलिकेट डिवाइसेस जैसे फॉर एग्जांपल आपका टीवी है या फिर आपका लैपटॉप हो गया या फिर आपका मोबाइल फोन वगैरह हो गया, उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ऐसे में आपको जरूरत पड़ती है एक सर्ज प्रोटेक्टर की जो आपके डिवाइसेस को बचाएगा इन सभी सर्जेस के अगेंस्ट। अब जो सर्ज प्रोटेक्टर है वो आपको अलग तरह के देखने को मिलते हैं, कुछ होते हैं जो आपको मिलते हैं अडैप्टर की शेप में जहां पे मल्टी पॉइंट पिन टाइप से होता है सिस्टम कि आप उसको लगा लीजिए पावर सॉकेट में और पीछे आप अपने अलग अलग डिवाइसेस को लगा सकते हैं और इसको आप ट्रैवलिंग के टाइम पे भी यूज कर सकते हैं। कुछ जो होते हैं वो होते हैं पावर स्ट्रिप की जगह कि यहां पे आपको मिलते हैं 4-5-6 अलग अलग सॉकेट्स और पीछे आपको एक प्लग मिलता है जिसको आप लगा के अपने डिवाइस को किसी को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पे जो मैकेनिज्म है वो बहुत ही सिंपल है। आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स होते हैं दोस्तों, वहां पे आपको मिलते हैं घर में नॉर्मल 3 वायर्स, एक होता है आपका लाइव वायर, दूसरा होता है न्यूट्रल, तीसरा होता है अर्थ का। तो किसी भी सर्ज प्रेडेटर में आपको एक नेटवर्क देखने को मिलता है लाइव वायर और अर्थ के बीच में जो कि काम करता है एक तरीके से बैक प्रोपगेशन का। अब वो जो नेटवर्क है वो नॉर्मल केसेस में एक्टिवेटेड नहीं रहता है और वहां पे लगा होता है एक वैरिस्टर जिसको हम कहते हैं वोल्टेज वेरिएबल रेजिस्टर, और वो जो रेजिस्टर है वो वोल्टेज के हिसाब से अपने रेजिस्टेंस को चेंज करता है। तो जब सब कुछ ठीक चल रहा है तब कोई दिक्कत नहीं है, आपको बड़े आराम से वोल्टेज मिल रही है, अपने डिवाइस को आप यूज कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोई सर्ज या फिर स्पाइक आया तो वहां पे वो जो वैरिस्टर है वो नेटवर्क एक्टिवेट हो जाएगा और जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी आपको मिल रही है वो डायरेक्टली राउट कर देगा अर्थ की तरफ और इससे आपके डिवाइस को बिल्कुल बचा के रखेगा। लेकिन ऐसे में अगर हो सकता है मान लीजिए बिजली गिरी है, कोई लाइटनिंग स्ट्राइक है, तो वहां पे जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होती है और एक सर्ज प्रेडेटर आपको उसके अगेंस्ट नहीं बचा सकता है। या फिर मान लीजिए कि वो जो सर्ज है वो काफी लंबे समय तक चल रहा है, तो ऐसे में भी वो जो सर्ज प्रेडेटर है वो आपको इतना सेफगार्ड नहीं कर पाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको करंट के अंदर कुछ चेंज मिलता है, अगर बहुत ज्यादा करंट एक साथ आ जाता है, एम्पियर अगर बहुत ज्यादा है फॉर एग्जांपल, तो उसमें भी आपको सर्ज प्रेडेटर जो है वो नहीं बचा पाएगा। इसीलिए हम यूज करते हैं एक फ्यूज का भी। अब जो काम फ्यूज करता है वो फ्यूज ही करता है और जो काम एक सर्ज प्रेडेटर करता है वो काम सर्ज प्रेडेटर ही करता है। फ्यूज आपको याद होगा पहले आप अपने घरों में यूज करते थे, जो आपका मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता था वहां पे एक क्लैंप होता था, उसके अंदर आपको एक वायर देखने को मिलता था। आजकल हम वहां पे सर्किट ब्रेकर्स को यूज करते हैं, लेकिन उसके अलावा आपने फ्यूज वहां पे भी देखे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके टीवी का या फिर फ्रिज का जो पावर सॉकेट है उसमें भी आपको एक ग्लास जो आपको मिलता है ट्यूब वाला फ्यूज वो लगा होता है और वहां पे एक छोटा सा पतला सा अंदर वायर होता है। तो ऐसे में अगर ज्यादा एम्पियर या फिर ज्यादा करंट अगर उस नेटवर्क से निकलने की कोशिश करता है तो जो फ्यूज है उसका वायर जल जाता है, वो टूट जाता है और इसीलिए आपके डिवाइस तक कुछ भी नुकसान पहुंचने से रोक लेता है। अब ये जो फ्यूज है ये कितने एम्पियर का हो ये कैसे पता लगाएं, तो इसका भी बड़ा ही सिंपल फार्मूला है। नॉर्मली जो हम घरों में यूज करते हैं, अगर आपके पास में एक 700-800 वाट तक का कोई डिवाइस है तो आप यूज कर लीजिए 3 एम्पियर का, अगर आपके पास में एक 1200 वाट तक का कोई डिवाइस है 800 से 1200 के बीच में तो आप यूज कर लीजिए करीब 5 एम्पियर का, और अगर आपके पास में 1200 वाट से ऊपर का एक है तो आप यूज कर सकते हैं 12-13 एम्पियर का। लेकिन इसका एक सिंपल फार्मूला है, फॉर एग्जांपल आपके घर में जो बिजली है वो पता है आती है
220 वोल्ट्स, आपके पास में जो एक डिवाइस है वो है मान लीजिए 440 वॉट का, इसका मतलब आपको पता है कि पावर जो है वो है 440 वॉट। पावर इक्वल्स टू होता है वोल्टेज इनटू करंट, आपको वोल्टेज पता है तो आप करंट निकाल सकते हैं बड़े आराम से, 440 डिवाइडेड बाय 220, इसका मतलब जो करंट है वो है 2 एम्पीयर, और जो आपको फ्यूज रखना है वो रखना है 2 एम्पीयर से थोड़ा सा बड़ा यानी करीब करीब 3 एम्पीयर। इसका मतलब ये कि वो एक लिमिट में अगर करंट आ रहा है तो उसको सप्लाई को जाने देगा, लेकिन जैसे ही करंट थोड़ा सा बढ़ा वो फ्यूज का वायर जल जाएगा, टूट जाएगा, और इसीलिए आपके डिवाइस को कभी नुकसान होने से रोक लेगा। लेकिन आपको एक बात और बता दूं कि जो सर्ज पेटर दोस्तों वो आपको मदद करता है लगातार आपके डिवाइस को यूज करने में, आपको आपका डिवाइस बंद नहीं करना पड़ता है, आप लगातार यूज करते रह सकते हैं और वो पीछे से अपने आप उसको मेंटेन करता रहता है जो भी एक्स्ट्रा वोल्टेज है। लेकिन एक फ्यूज जो है अगर ज्यादा करंट आया तो बस बंद हो जाएगा, अगर आप उसको जब तक चेंज ना करें, ठीक ना करें, तब तक आप अपने उस डिवाइस को ठीक से यूज नहीं कर सकते हैं। आप देखेंगे आपको बोस्ट केसेस में मिलेगा एक सर्ज पेटर के अंदर ही एक और फ्यूज भी लगा हुआ, जिससे वो आपको ड्यूल प्रोटेक्शन देता है दोनों ही केसेस में, और ऐसे में अगर फ्यूज जल जाए तो बड़े आराम से वो जो ग्लास ट्यूब वाला फ्यूज है उसको आप चेंज कर सकते हैं, काफी चीप मिलता है और आपका डिवाइस जो है वो लगातार चलता रहेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए हैं एक फ्यूज या फिर सर्किट ब्रेकर क्या काम करता है और एक सर्ज पेटर क्या काम करता है। अगर आपको कोई सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं और साथ ही साथ शाम को लेके आता हूं नया एपिसोड टेक टॉक्स का। तो फिलहाल के लिए इतना है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।